नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तेजस मोदी। लर्न आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, जिसका टॉपिक रहेगा मेन ओबेसिटी, यानी कि मोटापा है। तो दोस्तों, अपने सबसे पहले ये जानेंगे कि मोटापा के क्या कारण है, उसके कारण क्या है, ये मोटापा किस वजह से होता है, तो इसका कारण अपन जानेंगे। दोस्तों, आज की जो लाइफ है वो सबसे टफ और इजी लाइफ, अब ये बात रही कि टफ और इजी लाइफ कैसे। टफ ऐसे कि टफ तो है ये बॉडी के लिए कि अपन ने इतने सारे रोग पाल रखे हैं, तो इन रोगों से अपन कैसे बचें। तो कोई भी व्यक्ति आज के समय में रोगों से नहीं बच सकता, क्योंकि उसने लाइफ को इतना टफ कर लिया है, और इजी ऐसे क्योंकि उसने लाइफ को जीना सीख लिया है, लाइफ को जीने के क्या तरीके सीख लिया है, उसको लाइफ को कैसे स्पेंड करना है वो सीख लिया है, चाहे वो टीवी से, चाहे वो ये सिनेमा हॉल से, चाहे वो क्या मोबाइल से, तो वो ये सब चीज़ें ये सीख गया है। अब बात रही कि ये इन चीज़ का मोटापे से क्या संबंध है, तो संबंध ये है कि ये जब चीज़ अपन करेंगे तो अपनी अपना जो माइंड है उस माइंड उसी पर लगा रहेगा, अपन हार्डली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। अपन सोशल में कहीं भी देख रहे हैं तो एक छोटा सा काम भी व्यक्ति किसी ना किसी वैज्ञानिक की साधन को लेते हुए करता है, अपना माइंड यूज नहीं कर रहा है, तो संभवतः उसका जो रिजल्ट है वो ये मोटापे की तरफ जा रहा है। तो अपन जैसे एक जनरल सी चीज़ देखें कि ये मोटापा क्यों हो रहा है, तो अपन एक छोटा सा भी अपन काम करेंगे तो अपन सोचते हैं यार चलो कोई बाइक या ऐसी कोई चीज़ देके जाएं, तो अपन उस काम को जल्दी कर लेंगे, तो अपना समय बच जाएगा। तो रिजल्ट इसका क्या होता है कि अपन फैट आता है। अब ये फैट कैसे आता है, जब अपन वॉकिंग नहीं करेंगे, जब अपन हार्डवर्क नहीं करेंगे, जब अपनी बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी, तो अपन खा तो रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उसको बॉडी में कंज्यूम उस जो खाया उसको कंज्यूम करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो एनर्जी आपने स्टोर की है उसको आप ये बर्न एक्सरसाइज के थ्रू या वॉक ये वर्किंग के थ्रू उसको बर्न नहीं करोगे तब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रह सकती है। इसी कारण आज के समय में लोगों को बीपी हो रहा है, लोगों को मोटापा हो रहा है, लोगों को शुगर हो रहा है, इन सब का कारण यही है कि हमने अपनी एक्टिविटी को बहुत कम कर दिया है और अपन चाहते हैं कि मैं उतनी ही खुराक लूँ, मैं उतना ही खाना खाऊँ। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण यही है। इसके साथ साथ जो कारण ये आता है, जो आयुर्वेद शास्त्र ने बोला है कि गुरु यानी कि हैवी चीज़ जैसे मालपुआ है, मलाई है, या हैवी डाइट्स जो आप लेते हैं, तो गुरु स्निग चिकनाई जैसे दही घी बहुत ज़्यादा खाना, गुरु स्निग और सांद ऐसी चीज़ों को अपन जो खाते हैं आजकल के, जैसे मान लो कहते हैं कि फास्ट फूड, तो वो थोड़ा कंसंट्रेट होते हैं फास्ट फूड काफ़ी, तो उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। यदि यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसमें ये मोटापा आएगा। तो दोस्तों, मेन ये चीज़ है कि अपन बॉडी को थोड़ा वर्क करें, वॉकिंग करें, योगा करें। तो ये मैंने जो इसके कारण बताए, मेन ये इसके कारण है। तो अब इसका उपाय क्या है दोस्तों, उपाय आप सब एक जनरल भाषा में आप सब उपाय जानते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। तो उस उपाय में जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एक कहते हैं कि अपन जैसे कहते हैं कि शहद यूज़ करें आप, कोई दिक्कत नहीं, शहद यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो मोटापे में काम करती है, या जो ऑल ओवर ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है या हाई बीपी है या उसको हाइपरटेंशन रहता है, तो ऑल ओवर पूरी बॉडी पर वो काम करेगा। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये मोटापे में कौन कौन सी चीज़ अपने को यूज करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आता है जिसे कहते हैं जौ।
जौ का आप सेवन, यदि आपको मोटापा है, यदि आपको यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आप जौ का सेवन स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों आज से ही, तो आपका आपकी जो लाइफ है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपके हार्ट, आपका जो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक विडंग आता है आयुर्वेद में, एक जो ड्रग्स है विडंग, यदि इस चीज़ का विडंग का सेवन करें तो आपको के मोटापे में भी काफ़ी फायदा करेगा। क्यों दोस्तों, ये विडंग अपन आयुर्वेद में जैसे कहते हैं कि विडंग एक ये कृमि हर है, तो कृमि को हरने के लिए ये अच्छी ड्रग है। लेकिन दोस्तों ये भी एक, आप इस ड्रग को यदि यूज़ करोगे या कहीं भी इस विडंग के बारे में आप पढ़ोगे तो आप पाओगे ये फैट पर भी काम करता है, ये फैट को भी, फैट कटर है, इसका भी यूज़ आप करोगे। साथ साथ इस विडंग के साथ यदि सौंठ का पाउडर यदि डाल के सुबह शाम आधा आधा चम्मच खाली पेट ले दोस्तों, मोटापे में काफ़ी फायदा करेगा। तो दोस्तों मैं ओबेसिटी के बारे में और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही, और मैं नेक्स्ट जो वीडियो बना रहा हूँ इसी पर ही बनाऊंगा, ओबेसिटी पर बनाऊंगा, क्योंकि ओबेसिटी का वैसे जो लेसन है वो बहुत बड़ा है। तो दोस्तों इन दो चीज़ों पर को आप उपयोग करें तो फिर देखिए 1 से 1.5 महीने के बाद आपको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। आपका सारा जो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो ये ओबेसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, आपकी जो मेन जो बार बार जो भूख लगने की हैबिट है, जो ज़्यादा खाते उसकी वजह से मोटापा होता है, तो वो भी कम हो जाएगी। दोस्तों आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करोगे ये चीज़ समाज में, सोशल में आएगी और उनको फ़ायदा भी मिलेगा। तो दोस्तों धन्यवाद।